हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जिम में जाने वाले हैं फ्यूजियर सिटी के। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि मैं ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने गलती से सेव करना इसे भूल गई थी। तो मुझे फिर से अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा वाला गेम प्ले देखो जिसको मैंने सेव करना भूल गया था। तो ये हमारा पोके सेंटर है। तो मैंने जिम लीडर के पास पहले ही मैं जा चुकी हूँ, और आज के वीडियो में हम सीधा जिम लीडर से लड़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ जो रहते हैं लड़ने के लिए, उन्हें मैंने हरा दिया है। तो आज हम सीधा जिम लीडर के पास जाने वाले हैं। और ये रूट 18 में, ये रहा फ्यूजिया सिटी का जिम, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना कि मैं कैसे करती हूँ अगर आप ये गेम खेलते हो। तो यहाँ पे जो वाइट कलर का एक बैकग्राउंड बने रहेगा ना, उसका मतलब है कि उसके पार नहीं जा सकते, वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, ठीक है, या फिर ट्रांसपेरेंट वॉल है बोलना चाहिए। तो आप इसको एकदम ध्यान में रखना कि कहाँ पे है वो वॉल्स। ये हम पहुंच गए हैं फ्यूजिया सिटी के जिम लीडर के पास, ठीक है। चलो, वेलकम चाइल्ड टू द फ्यूजिया सिटी जिम। नॉट एवरी बैटल इज अबाउट ब्रूट स्ट्रेंथ, पेशेंस, स्ट्रेटजी एंड स्किल आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट। लेट्स बिगन। अब चलो रायचू ले लेते हैं, अपने सबसे बेस्ट पोकेमोन को लेंगे, और आईवीसॉर ले लेते हैं। इनका नाम है जिम लीडर कोका, और इन्होंने वेनोमोथ को भेजा है। तो सबसे पहले ज़्यादा पावर वाले मूव्स यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोबॉल यूज़ किया मैंने, क्योंकि इसका लेवल 42 है, तो मुझे मेरे ख्याल से तो ये जीत ही जाएगा। अब एक बार डिस्चार्ज यूज़ करते हैं। ये कंफ्यूज़ हो गया है हमारा रायचू, तो इसको मेरे ख्याल से थोड़ी देर आराम करने देना चाहिए। उसकी जगह अब हम ले आते हैं आईवीसॉर को, जो कि कमाल का पोकेमोन है, मेरे फेवरेट पोकेमोन्स में से एक है। और अगर ये विकसित हो जाता है तो बाप रे मज़ा ही आ जाएगा। ओह नो, ये तो हार गया। तो मुझे 4 मिलियन लेना चाहिए था, अब हम हार जाएंगे। अब जिम लीडर ने गोल्ड बैट भेजा है, और ये 37 लेवल का है। हारने वाले हैं। इलेक्ट्रोबॉल यूज करते हैं, एक लास्ट चांस, शायद जीत जाए। यस, हम जीत गए, बहुत मुश्किल से जीत गए लेकिन हम। और ये अपना रायचू 43 लेवल का हो गया है आज। अ स्किलफुल बैटल, यू डिड वेल। बाप रे, 5,550 डॉलर्स उसने जीता, मतलब दिया हमको। कोका, यू हैव अर्न द सोल बैच, ऑब्टेन सोल बैच। हियर हैव दिस GMT2, कंटेन टॉक्सिक। इट इज अ स्टेटस मूव दैट डज मोर डैमेज एवरी टर्न द पोकेमोन इज इन द बैटल। तो अब हम लोग वापस चलते हैं से। तो अब मेरे ख्याल से रूट खुल गया होगा
तो अब हम फ्यूजियो सिटी के आगे जाने वाले, लेकिन उससे पहले मैं बैज को देखना चाहती हूँ। इसलिए हम बैग में जाएंगे, बैज बैज बैज, ये रहा हमारा प्यारा सोल बैज। ठीक है, अच्छा दिख रहा है ना, इट प्रूव्स दैट वी हैव डिफीटेड कोगा। चलो अब हम आगे चलते हैं। मैंने एक रूट देखा था जो उस समय बंद था, लेकिन जितना मैंने पोकेमॉन गो को नोटिस, मतलब पोकेमॉन गो को नहीं, पोकेमॉन फायर रेड और पोकेमॉन फायर एश को नोटिस किया है, उसके हिसाब से अब ये खुल गया होगा दिस रूट इस, लेकिन नहीं नहीं खुला ये। फ्यूजिया सिटी आ गए हम लोग फिर से हैं। चलो अब हम लोग किसी भी तरह से रूट ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, अभी नहीं है, चलो वहाँ चलते हैं जहाँ पे कोगा वो लोग थे, यहाँ पे थे। चलो लेकिन उससे पहले पोकेमॉन सेंटर जाते हैं। चलो इस घर में आप आ गए हैं तो नहीं, इनसे बात नहीं करना हमें। चलो अब पोकेमॉन सेंटर चलते हैं। अब हमें पोकेमॉन लीग में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही बैच लगेंगे, उसके बाद मेरे ख्याल से तो हमें पोकेमॉन लीग में हारना चाहिए, क्योंकि एनिमे में भी ऐश हार गया था, क्योंकि अगर वो ऐश नहीं हारता तो वो सीज़न कंटिन्यू नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि अब उसका ड्रीम जब उसने पूरा कर लिया है, सीज़न कंटिन्यू कैसे करते। लेकिन ऐसा भी होता हो सकता था कि उस, हाउ डेयर यू गेट इन द वे ऑफ आवर बैटल, ऐसा भी हो सकता था कि वो जीत जाता और फिर अगले सीजन में एक और नया टाइप का वो आता, क्या बोल सकते हैं उसको, ट्रेनर, एक और नया टाइप का ट्रेनर आता। अब हम यूज़ करेंगे रायचू, इलेक्ट्रोबॉल यूज़ करेगा जल्दी। ये पिछली बार भी जब मैंने खेला था, जिस समय सेव नहीं कर पाई थी मैं, उस समय भी ऐसी बीप बीप हो रहा था और थोड़े देर बाद फिर बंद हो गया था। शायद ये कोई ग्लिच होगा पोकेमॉन कंपनी का। ग्लिच बेसिकली वो होते हैं, मतलब अपने आप प्रोग्रामिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाती है तो ग्लिच आ जाते हैं, लेकिन मेरे बैटल में तो बीप 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 हो रहा था। ठीक है, अभी भी हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर दूंगी। अगर ये और ज़्यादा देर तक बीप 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 होता है तो मैं तब तक कुछ और वीडियोस के बारे में बात कर लेती हूँ। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया और काफ़ी सारे व्यूज़ आए हैं, ये देखते हुए कि मैंने अभी अभी वीडियो डालना शुरू किया है। तो अगर अगर जैसे कि अगर कोई भी, फिर से भी पूरा, अगर कोई भी न्यूज़ होती है कि कोई कार्टून आने वाला है नया, या फिर कोई कार्टून का टाइमिंग बताना हो, तो मैं आपसे ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बीप 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 बीप, अभी भी वैसा ही हो रहा है। अच्छा मैं इस पार्ट को स्किप कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा वॉच करने के लिए। अरे जल्दी होना यार, हट। थंडर पंच, नहीं नहीं हाँ ठीक है, स्वॉर्ड्स डांस, फायर फैंग यूज़ किया उसने, गया साइथर गया, और इसने फायर पंच भी यूज़ किया। चलो अब कौन सा वाला ले, आईवी सॉर्ड ले लेते हैं। ये यूज़ करेगा लीच सीड,
डिस्चार्ज यूज़ करते हैं और ये यूज़ करेगा रेजर लीफ। अब ये हारने वाला है जल्दी, क्योंकि दो पोकेमोन के आगे एक पोकेमोन लड़ रहे हैं, इसलिए ये हारने वाला है। थंडर पंच यूज़ करेगा ये, और ये यूज़ करेगा वेनोशॉक। थंडर पंच, यस, गया, वो हार गया। मेरे ख्याल से अभी इन दोनों ने जिम नहीं खोला है, सिर्फ जिम खोलने वाले हैं, ठीक है। वो वेनोशॉक, लेकिन किसके लिए वेनोशॉक यूज़ करेगा। चलो अब हम जीत गए दोनों ने। बताओ, आई विल मेक जिम वन डे, मतलब ये जिम एक दिन जिम बनाएगा। लिकिटंग, लिकिटंग को मैंने ऑफ स्क्रीन पकड़ लिया था, मैं आपको बताना भूल गई थी। चलो अब मैं मुझे याद आ गया कि मैंने लिकिटंग को ऑफ स्क्रीन पकड़ लिया था। एक वेनोवेट, मेरे पास वेनोवेट है, मैंने पहले से ही पकड़ लिया है, इसलिए उसकी भी बात नहीं, उससे भी नहीं लड़ेंगे हम लोग। और अब आ गया एक और लिकिटंग। हम किसी से नहीं लड़ने वाले यहाँ पे, अगर कोई इंटरेस्टिंग सा मिलता है तो ही लड़ेंगे। चलो अब यहाँ पे चलते हैं, अभी हमें कुछ देगा। आई फाउंड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। ये हम, ये जो पहले है ना, जब मैं इसके पास आई थी तो ये बोल रहा था बार बार कि मुझे तुम्हें कुछ देना है, लेकिन तो मेरे पास नहीं है। वर्मिलियन टिकट, अच्छा चलो वर्मिलियन टिकट मिल गया हमें। वर्मिलियन टिकट मतलब हम लोग वर्मिलियन सिटी जा सकते हैं, और वर्मिलियन सिटी के एक जगह पे हमें हमें जाना है, एक शिप पे, वहाँ पे वर्मिलियन टिकट से हम कहीं जा सकते हैं। वो तो मुझे याद नहीं कहाँ जा सकते हैं, लेकिन कहीं जा सकते हैं, इतना याद मुझे, क्योंकि वर्मिलियन सिटी जाए हुए थोड़े दिन हो गए हैं, क्योंकि वो गेम की शुरुआत में खेला था हमने। एक्चुअली हमने नहीं, सिर्फ मैंने, क्योंकि उस समय मैं वीडियोस नहीं बनाती थी पोकेमोन के बारे में। अब हम जा रहे हैं फ्यूजिया सिटी के पोके सेंटर में। सबसे पहले हम इसे अपने पोकेमोन को हील करेंगे, और उसके बाद हम सीधा वर्मिलियन सिटी में जाएंगे। थैंक यू फॉर वेटिंग, वी होप टू सी यू अगेन। ये हर बार वही बोलती है माई। चलो अब हम वर्मिलियन सिटी जाते हैं, और हम वर्मिलियन सिटी पहुंच चुके हैं। ये है वर्मिलियन सिटी। तो अब हम जाने वाले हैं, सबसे पहले पोकेमार्ट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ काम की चीज़ें मिल जाती है। तो अब हमें खेलते हुए 15 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग खेलने ही वाले हैं, क्योंकि मेरे पास पोकेबॉल्स कम हैं, तो मैं 10 ले लेती हूँ। अल्ट्रा बॉल भी ले लेती हूँ। सर्टेनली हाउ मच यू वुड लाइक, नहीं मेरे को एक नहीं, मेरे को एक से ज़्यादा चाहिए। तीन चार ही ले लेते हैं। थैंक यू बोल रहे हैं। एंटी डॉट अवेकनिंग आइस हिल, फुल हील, एक फुल हील तो पकड़ एक ही लेते हैं। चलो अब हम जा रहे हैं सबसे ऊपर ग्रेट बॉल खरीदने। नहीं मेरे को एक ग्रेट बॉल नहीं, मैं गलती से ना जल्दी जल्दी में दबा देती हूँ। चलो एक ही ग्रेट बॉल लेते हैं अभी के लिए, उसके बाद एक और बार में 3 4 5 5 5 ग्रेट बॉल्स हम ले रहे हैं। नहीं अब हो गया, हम और नहीं शॉपिंग करेंगे, वरना फिर बैटल्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अब हमारे पास टिकट है, तो हम जा रहे हैं यहाँ पे शिप में। ये वाले शिप में मैं पहले जा चुकी हूँ, यहाँ पे टीम रॉकेट होती है,
चलो सिनेबार जाते हैं, जो भी ये सिनेबार है। आ गए हम सिनेबार आइलैंड। सबसे पहले पोकेमोन सेंटर जाते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी टिप है, जब भी आप कोई सिटी में आते हैं तो सबसे पहले उसके पोकेमोन सेंटर जाया कीजिए, क्योंकि ना अगर आप पोकेमोन सेंटर नहीं जाएंगे तो फिर आपको, फिर अगर आप किसी से बैटल हारेंगे तो आपको पोकेमोन सेंटर के नाम पे पिछली सिटी जहाँ पे आप थे वहीं पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे कुछ लोग थे, हम उनसे बात कर लेते हैं सबसे पहले इनसे। अरे आई वॉन्टेड टू चैलेंज द जिम बट आई हैड नो वे टू गेट देयर, जिम को चल। द कैप्टन ऑफ द शिप विल ओनली टेक यू टू जिम इफ यू क्लियर द मेंशन सेज इट्स राइट पासेज और समथिंग। यहाँ पे क्या क्या देखते हैं, ये क्या है सबसे पहले देखते हैं। पोकेमोन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग टुमारो आउट ऑफ यस्टरडे। अच्छा मतलब हम कल से कल बना रहे हैं, मतलब बीते हुए कल से आज वाला कल बना रहे हैं। चलो इनसे बात करते हैं। आई हैव अ ग्रेट मूव टू हेल्प यू बीट ब्लेन। हु इज ब्लेन? आई डोंट नो, शायद जिम लीडर होगा। इट्स कॉल्ड सेसमिक टॉस, वांट टू लर्न इट? चलो भाई देखते हैं। चलो आई बी सॉरी, वाटर टर्टल लर्न करेगा उसे। रैपिड सीन प्रोटेक्ट भूल के वो ये लर्न करेगा। पुफ, वाटर टर्टल फॉरगॉट हाउ टू प्रोटेक्ट एंड लर्न सेसमिक मूव, जो भी था वो। आई एम लुकिंग फॉर अ सील, आई डोंट हैव अ सील। आई एम लुकिंग फॉर वेनोवेट, यस आई हैव अ वेनोवेट, यस आई डू वॉन्ट हॉन्टर बट आई ऑलरेडी हैव अ हॉन्टर बट मोस्ट प्रोबेबली इसका। आई एम लुकिंग फॉर रायचू, ना, मैं अपने रायचू को नहीं देने वाली इतने जल्दी। तो चलो पोके सेंटर जाते हैं और वेनोवेट को लेके आते हैं और उसके बदले उसका हॉन्टर लेते हैं। हम लोग तो कुछ और ही करने आए थे। चलो अब चलते हैं पक्का। बिल्स पीसी, चलो डिपॉजिट पोकेमोन। अभी के लिए मक को डिपॉजिट कर देते हैं और विथड्रॉ करेंगे अभी के लिए वेनोवेट को, किसके बदले हमको हंटर मिलने वाला है। वेट, बॉक्स वन आ गया। वेनो इसको विथड्रॉ करते हैं। उम्मीद है पोकेमोन्स को बुरा नहीं लगता होगा जब हम उनका ट्रेड करते हैं और हम लोग उनके बदले कोई और ले लेते हैं, लेकिन उनको वो भी एक नया ट्रेनर मिल जाता है तो शायद उनको अच्छा लगता हो। चलो अब जाते हैं उसके पास जिसको चाहिए था वेनोवेट। नहीं, मैं रायचू को नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। दैट्स टू बैड, ओके दैट्स टू बैड चलेगा, लेकिन मैं रायचू को नहीं खोल सकती। यस आई डू वॉन्ट, तभी तो यहाँ पे आई हूँ। चलो ऑसम, चलो अब एक्सचेंज होगा देखना। आई डी इसका है 30,799, ओनर इज सरीना जो कि मेरा नाम है इस गेम में। अब वो हॉन्टर्स भेज रही है। चलो ये आ गया हॉन्टर अगेन। टेक गुड केयर ऑफ हॉन्टर, हाँ मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी तुम्हारे हॉन्टर का। चलो अब यहाँ पे दो साइंटिस्ट टाइप है। ओह हेलो आई एम अ साइंटिस्ट, आई कैन सी, मैं देख सकती हूँ। आई कैन टर्न फॉसिल्स इनटू लिविंग ब्रीदिंग पोकेमोन, हाँ ये एक था, ये वाला एपिसोड मैं देख चुकी हूँ। ओफो आई वांट टू गो। ओ हेलो आई एम अ साइंटिस्ट, ये तो वही सेम बोल रहा है जैसा उस पिछले वाले ने कहा था। ये क्या है? ये मेरे ख्याल से वो होगा जिससे पूरे पोकेमोन्स को हील करते हैं।
ये सब क्या है देखते हैं, इनमें से कुछ नहीं हो रहा है ठीक है। तो हम अब हम चलते हैं, वेट वहाँ पे कुछ कुछ था उसको अगर वो हमारे लिए रखा है तो चलो उसको ले लेते हैं। नहीं हमारे लिए नहीं है, तो चलो अब आगे चलते हैं। पोके मार्ट में हम पहले ही जा चुके हैं तो इस बार और नहीं जाएंगे हम पोके मार्ट में। ये किसका घर है, हम इसके घर, जिसका भी घर है उसके घर जा रहे हैं। अच्छा ये दादाजी का घर है। आई वुड नेवर लेट माई ग्रैंड किड्स स्टे हियर, द वोल्केनो इज़ टू डेंजरस। हाँ अब मुझे आइडिया आया कि इसमें एक फायर टाइप पोकेमोन यूज़ होता है। द वॉल आइलैंड्स वॉल्केनो इज़ अ बिट मोर डाउन द कोस्ट, द जिम इज़ लोकेटेड देयर। आई नो मुझे पता है समझे, वो एक होटल में रहता है। सिनाबार आइलैंड द फीरी टाउन टाउन ऑफ बर्निंग डिज़ायर, मैंने एपिसोड एनीमे देखा हुआ है समझे, तुम लोग इतना मत बताओ। वहाँ पे एक पहेली बताते हैं वो जो जिम लीडर होते हैं वो अंकल, वो पहेली बताते हैं और फिर हमें उस जिम को हराना रहता है। तो अभी टाइम देख लेते हैं कितना हुआ, अभी 20 मिनट्स ही हुआ, मतलब आज हम दो जिम्स में जीत सकते हैं जो कि अच्छी बात है, बहुत जल्दी हम दो जिम्स में जीतने वाले हैं। चलो ऊपर चलते हैं, एक और बार ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कोई है, स्टे अवे फ्रॉम माई लूट। लूट का क्या मतलब है? अच्छा दिस इज़ अ बर्गलर नाइन टेल्स, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये नाइन टेल्स पोकेमोन। ये वल्पिक्स का विकसित रूप है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ना जो भी पोकेमोन का डिज़ाइन अच्छा हो और उसके पावर अच्छे हो तो मुझे वो फेवरेट पोकेमोन्स में आ जाता है। मुझे म्यूट्यू भी काफ़ी अच्छा लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक लेजेंडरी पोकेमोन है। चलो मैं आपको एक सीक्रेट की बात बताती हूँ पोकेमोन कंपनी की, कि जो ग्राउलेट नहीं आर्केन है ना, जो वही जो ऑफिसर जेनी के पास होता है, वो पहले लेजेंडरी पोकेमोन होने वाला था लेकिन अब वो नहीं है। फिर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और उसके एपिसोड 2 में ना इसका एक हिंट भी है। देखो क्या होता है एपिसोड 2 में कि ना इलेक्ट्रोबॉल यूज़ नहीं कर पाए। एपिसोड 2 में ना एक क्या बोल सकते उसको फोटो होती है जिसमें चार लेजेंडरी पोकेमॉन्स होते हैं उस रीजन के, ठीक है। उस रीजन में के जो चार लेजेंडरी पोकेमॉन है वो होते हैं और उसमें आर्केन का भी फोटो होता है। रेटिकेट चलो पकड़ लेते हैं, इलेक्ट्रोबॉल यूज़ करते हैं, चलो अब पकड़ लेते हैं। तो आज का एपिसोड एक बहुत ही एपिक एपिसोड होने वाला है क्योंकि आज ही आज हम दो जो जिम्स हैं उसको जीतने वाले हैं। रेटिकेट हमने पकड़ लिया है और अब चलते हैं आगे। नहीं मैं रेटिकेट को निकनेम नहीं देखना चाहूँगी। अब वो बॉक्स 1 में चले गया है। ये कौन सा पोकेमोन? आयरन, व्हाट इज़ आयरन? आयरन का क्या यूज़ है यहाँ पोकेमोन में? इस साइंटिस्ट से हम पूछ लेते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बता देते हैं। चलो हम रन क्योंकि हमारी एनर्जी भी काफ़ी कम है। I found a nice TM here। अच्छा वहाँ पर TM है बता रहा है, मतलब इस बार तो कुछ नहीं बताया इसने। यहाँ पे एक और TM है शायद, कैल्शियम। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, वहाँ पे आयरन मिल रहा था, यहाँ कैल्शियम है। तो आयरन से मतलब उनका वो आयरन नहीं है जिससे अलग अलग चीज़ें बनती हैं हैंडल्स वगैरह, उसका वो मतलब था कि वो कैल्शियम आयरन वैसा वाला विटामिन्स और मिनरल्स की बात कर रहा है। सेव द गेम, अब ऊपर जा रहे हैं हम लोग।
क्वेश्चन 3F में आ गए हम। आज का वीडियो मैं 30 मिनट की बनाने की कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि उससे ज़्यादा मिनट्स के ना बने। यहाँ पे हो सकता है जिम और जिम लीडर मग हमारे पास है पहले से ही, तो हम नहीं पकड़ने वाले मग को। एक मिनट मैं रिपेल यूज़ कर लेती हूँ। आपको रिपेल क्या होता है नहीं पता, तो रिपेल वो होता है जिससे ना जो कमज़ोर पोकेमोन है वो कुछ दूर तक नहीं आते हैं। इससे मतलब कुछ पोकेमोन्स हमारे पास नहीं आएंगे। सुपर रिपेल यूज़ करे कि नहीं, रुको दूसरे रिपेल है कि नहीं, मैक्स रिपेल यूज़ करते हैं। चलो अब हमारे पास अब फिलहाल तो नहीं आने वाले हैं फालतू के पोकेमोन्स। जो कमज़ोर है वो नहीं आएंगे। ओके यू लुक प्रॉमिसिंग, मतलब वो हमसे लड़ाई करना चाह रहे हैं। अरे हम अगर प्रॉमिसिंग दिखते हैं तो ये बर्गलर है, मतलब कि ये ग्राउलेट को भेजा इसने। बर्गलर है का मतलब कि ये चोर है, जैसे टीम रॉकेट चोर है ना उसी तरह ये भी चोर है। ग्राउलेट हार गया ऑब्वियसली क्योंकि हमारा 43 लेवल का रायचू है। अब वो पोनीटा भेजा है। ये बड़े होकर रेफी डैश में बदलेगा और रेफी डैश को मैं पहले हरा चुकी हूँ, तो ये भी आसानी होना चाहिए इसको हराना। चलो अब 4 मिलियन ले लेते हैं हम लोग। वो भी फायर टाइप है और ये भी फायर टाइप है, तो दोनों का किसी के मतलब एक दूसरे के ऊपर असर नहीं जाएगा क्योंकि दोनों फायर टाइप है। वॉर्टेक्स क्या होता है? अब ड्रैगन रेज करते हैं क्योंकि ये ड्रैगन टाइप अटैक है। अब हम लोग इसको हरा दिया है, तो अब ये TM ले लेते हैं। अच्छा ये मैक्स पोशन है, इससे हम एक पोकेमोन की लड़ाई के दौरान पूरी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है, तो हम शायद अब पहुंचने वाले हैं। एक और टिकट या फालतू का पोकेमोन क्यों भेजते हो तुम? चलो अब रन, कांट एस्केप। अरे यार चलो यहाँ पे पोशन, सुपर पोशन, रिवाइव एलिक्सर। चलो मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ था जिससे लोग को छोड़ सकते हैं, कि मेरे को तो नहीं चाहिए स्पेशल। ब्लैक बेल्ट, एनर्जी बॉल थी, रुको सबसे पहले पॉइज, बल्क अप, टॉक्सिक, काम माइंड, सनी डे, प्रोटेक्ट, रॉक स्लाइड, सब्स्टिट्यूट, कॉपी ऑफ इट्स चेल्फ। ये द यूजर डैमेजेस अ पोसिंग पोकेमोन बाय एमिटिंग पावरफुल। चलो अब हमें तो नहीं मिल रहा है, तो अब हम फाइट ही कर लेते हैं। वैसे भी ये जल्दी आ जाएगा। सुपर फैंग यूज किया इसने अपने दांतों का इस्तेमाल करके। आखिर इसके दांत इतने बड़े जो है, वो भी बोल रहा होगा कि दांत बड़े हैं तो उसका यूज क्यों नहीं करे। अब हार गए, सुपर फैंग यूज किया, उसका अटैक मिस हो गया। अच्छा हुआ क्योंकि अब हम जीतने वाले हैं। मत हारना, चलो अब हो गया, वो हार गया। ये हमारे इसका लेवल बढ़ने वाला है। अब हम नीचे आ गए हैं 2F में।
एच पी अप मिला हमें। देखो ये जो पोके बॉल्स होते हैं ना, ये डोंट फॉल ऑफ। इसके पास 3 है और हमारे पास 6 पोकेमोन है। मैग्नोमाइट को भेजा है। तो आज का पोके क्विज़ है कि ये मैग्नोमाइट का जो क्या बोलते हैं एवोल्यूशन है, उसका नाम क्या है। नहीं हम नहीं बदलेंगे। अच्छा, और आपको एनिमे ज़्यादा अच्छे लगते हैं पोकेमोन के या फिर गेम्स? मैं तो दोनों में से कुछ चुन ही नहीं सकती क्योंकि ये बहुत मतलब डिफरेंट है, सिमिलर है स्टोरी पर डिफरेंट है, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों ही। कि मैं मतलब दिन भर मैं दोनों को ही खेलते रहती हूँ ना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने पसंद होंगे मेरे को दोनों ही। अब हम आईवी सॉल्ट लेने वाले हैं। आईवी सर बोल रही थी अब हम यूज़ कर रहे हैं ये स्विफ्ट, यूज़ किया पहले वॉल्टॉप, और अब हमारा प्यारा आईविसोर यूज़ किया वेनोशॉक, और अब वो लीच सीड यूज़ किया। अच्छा चलो, आप मेरा वीडियो तो देखते हो लेकिन क्या आप पोकेमोन गेम खेलते हो या नहीं खेलते, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अब वो पता नहीं क्या भेजने वाला है, मैग्नेटॉन। अच्छा अब तो आपको इससे ही पता चल गया कि ये जो मैग्नामाइट का विकसित रूप है वो है मैग्नेटॉन। अब वो सीडेड हो गया है, तो अब वो हमें एनर्जी देने वाला है। अब यस, अब हम रेजर लीफ यूज़ करेंगे। पता नहीं ये इफ़ेक्टिव होगा या नहीं, लेकिन यूज़ करके देखते हैं। नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं था वैसे तो वो ज़्यादा, लेकिन थोड़ा तो कम हुआ ना। अब हम वेनोशॉक यूज़ करेंगे। इसने इलेक्ट्रोबॉल यूज़ किया, अब हम वेनोशॉक यूज़ करेंगे। हमारा आईविसोर इट डजंट अफेक्ट द फो मैग्नेटॉन। अब एक और एचपी अप हो गया हमारा। मैं श्योर नहीं हूँ कि इसको एचपी बोलते हैं कि नहीं, लेकिन वो अप हो गया। अब हम वाटर टर्टल यूज़ करेंगे, तो उसके पास वैसे तो एडवांटेज है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे इसको हराने की। अरे अब हम पिजियोटो को यूज़ करेंगे, और कोई नहीं था तो अब पिजियोटो को ही यूज़ कर लेते हैं। और हम ड्रैगन टाइप के यूज़ करते हैं, ड्रैगन टाइप के, शायद वो हम इसको जिता दे। नहीं हम हार गए। अब चलो, अब हम लास्ट एपिसोड जैसा नहीं करने वाले कि बार बार बोलेंगे कि क्या बोलते हैं कि अब हम बंद करने वाले हैं, तो अब हम और खेलने वाले हैं, क्योंकि अब तो मुझे बहुत मन हो रहा है उस जिम लीडर को हराने का। और जैसा कि मैंने कहा, ये वाला एपिसोड को मुझे एपिक एपिसोड बनाना है, तो हम अभी भी खेलने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ी लंबी है। ठीक है, 40 मिनट की। यहाँ पे क्या है, फालतू की चीज़ें होंगी। सबसे पहले हम जिम लीडर को हराएंगे, और उसके वो जो कलीग्स वगैरह है उनको हराएंगे, उसके बाद ही हम किसी और को हराएंगे। हम यहाँ से गए थे पिछली बार, हम यहाँ से जाते हैं। अरे वो कहाँ गया? यस, सुपर रिपेल यूज़ करते हैं। कहाँ गया वो? कौन है वो? कौन है? चलो अब और अंदर जा रहे हैं हम। सेव द गेम, सरीना सेव द गेम। पता नहीं ये बार बार क्यों आता है, मुझे भी अभी तक नहीं पता।
मैं अभी गूगल से सर्च करूंगी। वो मैग्नामाइट भेजा पिछली बार की तरह। इलेक्ट्रोबॉल यूज़ करते हैं हम लोग सबसे पहले। वो हार जाएगा इससे, हार गया। वो लेवल 33 का है। तो अब उसका अगला पोकेमोन देखते हैं क्या है। वोल्टॉप, ये भी आधा इसका एचपी कम हो गया है। अब वो थंडर बोल्ट यूज़ किया हमारे ऊपर। अब डिस्चार्ज यूज़ करते हैं। डिस्चार्ज ख़त्म, ख़त्म उसका एचपी। अब वो मैग्नेटॉन भेजेगा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जो मैग्नामाइट है वो भी लेवल 33 का था, और ये मैग्नेटॉन है ये भी, मैग्नेटॉन है ये भी लेवल 33 का है। तो एक ही लेवल के वो और उसके एवोल्यूशंस कैसे हो सकते हैं, मेरे को तो नहीं पता। चलो फिर भी अब वो अगला पोकेमॉन भेजेंगे। और हाँ, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, अगर आपको इस गेम का ट्यूटोरियल चाहिए कि इस गेम को कैसे खेले, तो मैं कर सकती हूँ। चलो यहाँ पे क्या है देखते हैं। डोंट फॉलो, हम 1F में आ गए हैं। इसके भी नीचे जाते हैं, 1BF, मतलब कि B1F। मेरे को, मैं को याद करने तो मतलब क्या होता है, तो मतलब अच्छा बेसिकली मतलब ये होता है कि हम जो क्या बोलते हैं उसे, बेसमेंट, बेसमेंट में आ गए हैं। चलो एक और रिपेल यूज़ कर ही लेते हैं। अब यहाँ पे एक और एचपी मिलेगा। TM-22 सोलार बीम था उसमें। सोलार बीम मेरे ख्याल से वो सीखेगा। ये कौन है? ओ यू फाउंड मी, वेल आई गेस यू मेड इट थ्रू द मेंशन। आई विल टेल द टेलर लेट यू गो टू द जिम। हु इज़ द टेलर? चलो यहीं पे ढूंढते हैं टेलर, यहीं पे होगा आसपास। ये होगा क्या टेलर? अच्छा ठीक है, नहीं और रिपेल यूज़ नहीं करेंगे अब हम। डिड यू कम एट दिस प्लेस टू, ये लड़ाई करने के लिए, मतलब कुछ भी बोलता है कि तुम भी यहाँ पे आए थे तो तुम लड़ाई कर लो, ये क्या है। चलो फिर भी खेलते हैं क्योंकि मुझे मज़ा आता है खेलने में, खासकर हराने में बहुत मज़ा आता है मुझे। तो अब ये क्या भेजेगा? अब वो इलेक्ट्रोड भेजेगा। वैसे तो मुझे नहीं पता ये इलेक्ट्रोड कौन सा है। अच्छा तो ये पिछला वाला जिससे लड़ रहे थे उसका एवोल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का एवोल्यूशन इलेक्ट्रोड। नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं लगभग हर एवोल्यूशंस के। थंडर पंच यूज़ करते हैं। गया गया चार्ज बीम। एक और इलेक्ट्रोबॉल यूज़ करते हैं। अभी तक नहीं गया, चार्ज बीम यूज़ किया फिर से। चलो अब थंडर पंच, हार गया। भले ही इफेक्टिव नहीं था लेकिन वो हार गया। अब चलो आगे चलते हैं। साइंटिस्ट एवन को हमने डिफीट कर दिया। अब क्या है? आई लव स्टडिंग दिस मेंशन, क्योंकि ये इतना भूल भुलैया टाइप है ना, तो ऑब्वियसली रेटिकेट मेरे पास, मतलब रटाटा मेरे पास पहले से ही है, तो मैं इसको नहीं पकड़ूंगी। ओफो, यहाँ पे भी इतने सारे पोकेमोन। डिट्टो, चलो चलो डिट्टो ही यूज़ करते हैं। चलो डिट्टो को मुझे पकड़ना है, क्योंकि डिट्टो किसी भी पोकेमोन की नकल उतार सकता है, तो वो किसी भी पोकेमोन की तरह बन सकता है। तो शायद वो बहुत, मतलब
शायद वो सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स में से ही है। कॉफिंग, चलो मैं पकड़ लेती हूँ कि पोकेडेक्स में बिना पकड़े तो आने वाला है नहीं। वैसे ये टीम रॉकेट का पोकेमोन है तो मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं इसको डिफीट करके पकड़ लेती हूँ फिर भी। अब 2 टाइम्स कॉफिंग यूज स्लज, जो भी है ये स्लज, लेकिन अब हम इसको पकड़ने वाले हैं। ओके बॉल, ये रहा है प्रीमियर बॉल मे स्पेशली टू कॉमेमोरेट एन इवेंट ऑफ सम सोर्ट। हम नॉर्मल पोके बॉल ही यूज़ करने वाले हैं क्योंकि वैसे भी ये टीम रॉकेट का पोकेमोन है तो हम इसको ज़्यादा जोर नहीं देंगे। पकड़ लिया हमने, चलो कॉफिंग आ गया है अपने पास। अब इसकी डाटा देख लिए ते हैं। गेटिंग अप क्लोज टू अ कॉफिंग विल गिव यू अ चांस टू ऑब्जर्व थ्रू इट्स थिन स्किन द टॉक्सिक गैसेस स्क्वर्ल इनसाइड, इट ब्लोज अप एट द स्लाइटेस्ट स्टिम्यूलेशन। ये उसकी पोकेट डेक्स एंट्री थी। वैसे मैंने तो जल्दी जल्दी मैं बोला था, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी ठीक है। एक और वीजिंग आ गया। अब हमने इसको पकड़ लिया और अब हम वापस जाते हैं। ने कहा था कि वो टेलर टेलर शायद टेलर किसी का सरनेम हो, टेलर को जिम लीडर के पास ले जाने बोलेंगे। टेलर मतलब हमको जिम लीडर के पास ले जाने बोलेंगे। एक और वीजिंग, लेकिन ये पिछले वाले वो कॉफिंग था और ये वीजिंग है तो इसको भी पकड़ लेते हैं। उसका एवोल्यूशन है। चलो अब हम इलेक्ट्रोबॉल यूज़ करते हैं और ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा क्योंकि हमारा पावर कम था। अरे लेकिन ये पूरा डिफीट कर दिया उसको। लेकिन कुछ नहीं होता, अगर हम वीजिंग को ही रखेंगे ना तो वो भी इवॉल्व होके बन जाएगा। मतलब कॉफिंग, मैं बार बार वीजिंग और कॉफिंग में कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि वो एक दूसरे के एवोल्यूशन है। अब हम आ गए हैं यहाँ पे, शायद हम यहीं से होके गए थे। तो 43 मिनट हो गया, डिट्टो मिला हमें। अब तो इसको पकड़ने ही वाली हूँ मैं। इलेक्ट्रोबॉल यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोबॉल पूरा मत हारना। यस अब पक्का आ जाएगा। अब पोके बॉल यूज़ करते हैं, डिट्टो पकड़ेंगे हम। डिट्टो डिट्टो, लेवल 33 काफ़ी बड़े लेवल का है अब क्योंकि इसने ट्रांसफॉर्म। तो हम अब ग्रेट बॉल यूज़ करेंगे। अब ग्रेट बॉल में तो आ ही जाना चाहिए, और अगर ये इतना पावरफुल पोकेमोन है कि ग्रेट बॉल में नहीं आ सका तो हम किसी और में जानेंगे। डिट्टो, चलो डिट्टो को पकड़ लिया हमने। चलो अ डिट्टो रीअरेंज इट्स सेल्फ स्ट्रक्चर टू ट्रांसफॉर्म इट्स सेल्फ, हाउएवर इफ इट ट्राइज टू चेंज बेस्ड ऑन इट्स मेमोरी इट विल गेट डिटेल्स रॉन्ग। समझ गए, मतलब कि ये अपने सेल्स का स्ट्रक्चर बदल लेता है किसी और पोकेमोन के जैसा बनने और उसके अटैक सीखने के लिए। लेकिन अगर वो अपनी मेमोरी से कुछ करने की कोशिश करता है तो वो फिर मतलब गया गई भैंस पानी में। ठीक है, वाओ मैग्नमार, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये जिम लीडर के पास भी था तो अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो मतलब जिम लीडर के साथ लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। लोकिक यूज़ किया उसने। हम एक और इलेक्ट्रोबॉल यूज़ करेंगे। यस अब हम इसको पकड़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पोकेमोन यूज़ करेंगे सिर्फ दिखाने के लिए क्योंकि अब तो हम इसको पकड़ने वाले हैं क्योंकि इसकी एनर्जी भी कम हो गई है तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये अब भाग पाएगा हमारे पास से। नहीं, हम प्रीमियर बॉल नहीं, वो बहुत स्पेशल बॉल है, उसको अभी यूज़ नहीं करेंगे। उसको थोड़े ज़्यादा अच्छे मोमेंट पे यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम मैग्नमार को पकड़ लेते हैं, अभी नहीं हुआ। चलो अब हम ग्रेट बॉल यूज़ करेंगे और ग्रेट बॉल से भी नहीं हुआ ना
तो हम अल्ट्रा बॉल यूज़ करेंगे, 8:30 बजने वाले हैं तो अब मेरे को अल्ट्रा भी देखना है, तो अब मैं वीडियो बंद करने वाली हूँ, ठीक है। और नो, अल्ट्रा बॉल से भी आ गया, अब हम मतलब ग्रेट बॉल से भी आ गया, अब हम अल्ट्रा बॉल यूज़ करेंगे क्योंकि इसको तो मुझे कैसे भी करके पकड़ना ही है। यस आ गया, मैगमार पकड़ लिया हमने। तो अब हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, इसका पोकेडेक्स एंट्री देख लेते हैं। इन बैटल इट ब्लोज आउट इन इंटेंस फ्लेम्स फ्रॉम ऑल ओवर इट्स बॉडी टू इंटिमिडेट इट्स फोई। फोई मतलब दुश्मन। दीज फेरी बर्ड्स क्रिएट हीट वेव्स दैट इग्नाइट, इसका मतलब तो मुझे नहीं पता, ग्रास एंड ट्रीज इन द एरिया, मतलब कि शायद वो ग्रास और ट्रीज को चलो वो बिल के पीसी में आ गया है। तो अब हम यहीं पे गेम ओवर करते हैं, ये एपिसोड एपिक बनते बनते रह गया, तो अब हम सेव कर लेते हैं। चलो बाय।